हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सालजिन नैनो जेल जेल के बारे में, जो कि काफी जाना माना, काफी बिकने वाला और काफी यूजफुल मेडिसिन है। आपको उसी प्राइस में, जिस प्राइस में अगर आप कोई दूसरा मेडिसिन या दूसरा बाम इस्तेमाल करते हैं उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए, पेन को सॉल्व करने में, उसी प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा मेडिकेटेड जेल मिल जाता है, जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें जो मेजर पार्ट है, इसमें जो भी कंटेंट है या सेमी कंटेंट दूसरे भी जेलों में होते हैं, पर उसमें इन कंटेंटों की एमजी की मात्रा बहुत कम होती है और इसकी कम से कम 2 से 3 गुना उन कंटेंटों से मात्रा ज्यादा होती है। इससे आपको प्रॉब्लम जो भी होता है, पेन होता है, उन सभी को सॉल्व करने में काफी फायदेमंद होता है। तो यही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सालजिन नैनो जेल के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है और कॉम्बिनेशनों का क्या क्या काम है और आप इसे किस किस पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं ऑक्सालजिन नैनो जेल, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे 109 रुपए की प्राइस में जायडस कैडिला कंपनी की बनाई हुई यह जेल है। इसके अलावा यह 30 ग्राम के पैकिंग में 100 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करें इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या क्या काम है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सभी जेलों में आपको यह कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहला जो कि डाइक्लोफेनेक, दूसरा मेंथोल और तीसरा मेथाइली सेलिकलेट। अब हम बात करें इनमें कॉम्बिनेशनों की मात्रा, जो कि डाइक्लोफेनेक आपको सभी अदर कंटेंट जो भी दूसरे ब्रांड के जेल हैं उनमें भी आपको 3 से 4 ग्राम में आपको मिल जाता है, पर इसमें जो कि ऑक्सालजिन नैनो जेल है इसमें आपको 10 mg में मिलता है, जो कि आपकी पेन को, सूजन को, दर्द को दूर करने में काफी यूजफुल है। इसके अलावा मेथाइली सेलिकलेट जो कि अदर में आपको 50 में मिल जाता है, 60 में मिल जाता है, पर इसमें 150 mg की कंटेंट में मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा है, कम से कम 2 से 3 गुना है। तो यह आपकी पेन को एब्जॉर्ब करने में काफी यूजफुल होता है। इसके अलावा हम बात करें मेंथोल, जो कि आपको अदर ब्रांड के पैकिंगों में आपको 5 mg में या 10 mg में मिल जाता है, पर इसमें 50 mg में मिलता है, जो कि आपको बहुत जल्दी ही अगर आपको कोई पेन होता है तो उसको पेन को, मसल्स पेन को, किसी भी तरह का अर्थराइटिस, जॉइंट या हड्डियों से जुड़ी कोई पेन है तो उसको दूर करने में काफी फायदेमंद होगा। तो यही था इसके फायदे के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का मसल्स पेन या बोन्स पेन या अर्थराइटिस का पेन है या गठिया बाय का पेन है तो उन सभी पर्पजों में काफी फायदेमंद, काफी बिकने वाला जेल है। तो यही था इसके फायदे के बारे में। हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स, इसके किसी भी तरह के बहुत ही नॉर्मल साइड इफेक्ट्स तो देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता तब हो सकता है, नहीं तो काफी यूजफुल है। वो होता भी है तो आपको नॉर्मल स्तर पे खुजली या एलर्जी हो सकती है, नॉर्मल स्तर पे वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है साइड इफेक्ट। के अलावा इसके बाद बात करेंगे इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि 50% लोग नहीं जानते हैं। कोई भी बाम लगाने के बाद या कोई भी जेल लगाने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा रगड़ा जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी बाम या कोई भी पेन किलर जेल लगाते हैं तो आप उसे हल्के हाथों से लगा के छोड़ दीजिए जिस एरिया पे भी आपको पेन हो रहा है, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।